हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप बाय स्टेप गार्डनिंग। कैसे हैं फ्रेंड आप? आप लोगों का काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को। काफ़ी अच्छे से आप लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, उसे लाइक करते हैं, कमेंट भी करते हैं और अपने फ्रेंड से शेयर भी कर रहे हैं। तो बस ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाती रहूँगी और आपकी नॉलेज ऐसे ही गार्डन से रिलेटेड नॉलेज बढ़ती रहेगी। और आपको अदर किसी प्लांट पर भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उन टॉपिक पर भी वीडियोज़ आप लोग के लिए अच्छी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो बना दूँगी। और ऐसे ही वीडियो को एंड तक देखा कीजिए ताकि सारी इन्फॉर्मेशन मिले जो मैं वीडियोस में बताती हूँ। तो वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक ज़रूर देखें और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने ये फर्न का प्लांट सेलेक्ट किया है आप लोग के लिए। बहुत ही प्यारा, गुड लुकिंग शो प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत है देखिए। और मैंने ये मेरा बॉस्टन फर्न है और ये एक फॉक्सटेल फर्न है। दो फर्न के प्लांट हैं मेरे पास, तो मैं आज दोनों की वीडियो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। इसके केयर के बारे में सारी बातें करेंगे हम इस वीडियो में, तो प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा। और ये एक शो प्लांट है और एक एयर प्यूरीफायर प्लांट है। इसकी ये अच्छी खासियत है कि ये एयर प्यूरीफायर प्लांट है, ऑर्नामेंटल प्लांट है और ये हैंगिंग में भी चलता है, ऐसे पॉट में भी चलता है। मैंने इन्हें पॉट में लगा रखा है और ये देखिए मेरा खुद का बनाया हुआ पॉट है। देखिए बहुत प्यारा सा मैंने पॉट घर पे बनाया है, लास्ट समर में बनाई थी मैंने ये पॉट। और अभी तो विंटर में तो धूप अच्छी हो नहीं रही थी तो मैंने अभी कोई पॉट बनाया नहीं। अब देखती हूँ नेक्स्ट, अब जो समर आ रहा है उसमें फिर मैं शायद फिर से बनाऊँ। तो ये मेरा पॉट है, मैंने घर पे बना रखा है। तो ये इसमें मैंने इस प्लांट को लगा रखा है और आप चाहें तो इसे बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं, क्योंकि अभी ये मेरा 8 से 9 महीने पुराना ही प्लांट है, ज़्यादा पुराना प्लांट नहीं है। और देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई फ्रेंड, इसकी ग्रोथ पूरे साल हुई है। ये वाला फर्न जो है समर में भी ग्रोथ कर रहा था और विंटर में भी। देखिए इसकी न्यू लीव्स आपको दिख रही होंगी, ये सारी न्यू लीव्स हैं, तो न्यू लीव्स आती जा रही हैं। तो इसमें विंटर में बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है और समर में भी ग्रोथ हुई थी इसकी। लेकिन ये जो मेरा दूसरा वाला फॉक्सटेल फर्न है, इसमें बस समर में 2-4 लीव्स आई थी लेकिन विंटर में इसकी ग्रोथ बिल्कुल रुकी हुई है। शायद ये इसका डोरमेंसी टाइम है तो इसमें ग्रोथ बिल्कुल नहीं हुई थी। अब जनवरी एंड है तो फरवरी या मार्च से इसमें ग्रोथ शुरू होगी। तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इनके ग्रोथ का टाइम थोड़ा सा चेंज है। तो सबसे पहले हम इसमें टॉपिक वाइज बात करेंगे और सारी टॉपिक पे बात होगी। तो मैं इसमें सबसे पहले सॉइल बता देती हूँ आपको, कैसा सॉइल लेना है। ये एक सैंडी सॉइल, ये एक मॉइस्चर लविंग प्लांट है, मॉइस्चर को पसंद करता है। तो आप इसमें ऐसी सॉइल तैयार कीजिए जिसमें कि आपको मिट्टी में सॉइल नमी रहे, मिट्टी में नमी रहेगी तभी इस प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। जैसे हम लोग बताते हैं कि आप ऐसी वेल ड्रेन सॉइल लीजिए जिसमें पानी अच्छे से ड्रेन हो जाए, लेकिन इसको थोड़ा सा मिट्टी में नमी पसंद है। तो आप मिट्टी जब भी बनाए तो इसमें अच्छे से एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा सैंड और एक हिस्सा कोकोपीट ले सकते हैं। और मैंने कोकोपीट यूज़ नहीं किया है, मैंने इसमें वर्मी कंपोज़ या गोबर की खाद ऐड कर सकते हैं और उसमें थोड़ा सा राइस हस्क भी ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से इसकी सॉइल आप बना सकते हैं। और फिर दूसरा टॉपिक होगा हमारा सनलाइट। फ्रेंड, ये सनलाइट लविंग प्लांट नहीं है, ये शेमी शेड में ज़्यादा अच्छा चलता है, इनडायरेक्ट सनलाइट में ज़्यादा अच्छा चलता है। तो अगर आप इसे इनडायरेक्ट सन में रखते हैं तो इसकी ग्रोथ अच्छी होगी, और अगर आप इसे डायरेक्ट सन में रखते हैं तो इनकी जो लीव्स का टिप है ना, ये बर्न होने लगता है, जल के ब्राउन येलो येलो होने लगता है। तो मेरे किसी भी लीव्स का टिप आपको ब्राउन नहीं दिखेगा क्योंकि मैं इसे शेमी शेड में रखती हूँ, इनडायरेक्ट सनलाइट में रखती हूँ। और वाटर की नीड मैं बता देती हूँ इसको कैसी है। इसकी वाटर की नीड बहुत ज़्यादा है फ्रेंड, ये मॉइस्चर सॉइल पसंद करता है। तो आप इसके वाटरिंग में ये ना सोचें कि जब इसकी 1-2 इंच मिट्टी ड्राई हो जाएगी तब आप इसमें वाटरिंग करेंगे। जब भी इसमें 2 से 3 दिन में वाटरिंग करते रहें, और जैसे भी अगर इसकी मिट्टी गीली दिखती है, देखिए इसकी मिट्टी मोस्टली टाइम में देखती हूँ गीली ही रहती है, फिर भी मैं इसमें 2-3 दिन में थोड़ा थोड़ा पानी डालती रहती हूँ, इसको ड्राई होने का वेट नहीं करती। क्योंकि ये देखिए विंटर टाइम चल रहा था, विंटर में मैंने इसे इनडायरेक्ट सनलाइट में रखा था तो मिट्टी तो ड्राई दिखनी थी, तो मिट्टी सॉरी
मिट्टी तो गीली रहेगी क्योंकि धूप में है नहीं, तो शेड में है तो मिट्टी गीली ही रहती है, फिर भी आप उसमें 2 से 3 दिन में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहिए ताकि ये नमी नमी बनी रहे और इसकी ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसकी वाटर की नीड बहुत अच्छी होती है। और फर्टिलाइज़र के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ, फर्टिलाइज़र में क्या करना है आपको, इसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करना होता। ये शो प्लांट है, जितने भी शो प्लांट होते हैं फ्रेंड्स वो धीरे धीरे ग्रोथ करते रहते हैं, उन्हें उनकी उनके हिसाब से सनलाइट दीजिए, उनके हिसाब से वाटरिंग कीजिए, तो ज़्यादा उनको फर्टिलाइज़र की नीड नहीं होती। मेरे बहुत सारे शो प्लांट हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं डालती हूँ मैं, बस अभी इनका ग्रोइंग सीज़न स्टार्ट हुआ है, अब ये डॉर्मेंसी से बाहर निकले हैं, तो मैंने इनकी मिट्टी में हल्की सी गुड़ाई कर करके थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइज़र डाल दिया है। अब मैं इसमें बार बार फर्टिलाइज़र नहीं डालूंगी, जो शो प्लांट होते हैं वो अपने आप ही धीरे धीरे ग्रोथ करते रहते हैं अपने ग्रोइंग सीजन में। तो मैं इसमें भी मैं फर्टिलाइज़र ज़्यादा ऐड नहीं करती हूँ, कभी कभार मैंने इसमें थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए, थोड़ा नीम खली डाल दीजिए ताकि इसमें कुछ फंगस वगैरह मिट्टी में ना लगे, क्योंकि इसकी मिट्टी में नमी रखनी होती है, और थोड़ा टी लीव्स जो वेस्ट टी लीव्स किचन से निकलती है उसे डाल दीजिए, क्योंकि उससे इसकी पत्तियों में ग्रीनरी बनी रहेगी और लश ग्रीन जैसा मेरा प्लांट है वैसा रहेगा। मैं इसमें टी लीव्स डालती रहती हूँ क्योंकि इनकी जो ब्यूटी होती है वो लीव्स से ही होती है, तो लीव्स को ग्रीन रखना है तो आप वेस्ट टी लीव्स चाय की पत्ती डालिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र वगैरह ना डालें, नहीं तो इनकी जो लीव्स है वो बर्न होने लगती है और ये ऐसे ही ग्रोथ करता रहता है। अब मैं इसको प्रोपोगेट कैसे करना है मैं ये भी आपको बता देती हूँ। देखिए इनमें ना ऐसे इधर सनलाइट है, इधर दिखाती हूँ मैं, देखिए ऐसे ये इसकी लंबी लंबी रूट्स निकलती हैं फ्रेंड, ये मैं इसकी रूट्स दिखाती हूँ, ये देखिए ऐसे बहुत लंबी लंबी सी रूट्स निकलती रहती हैं, और ये रूट्स कहीं भी जैसे ये है, ये देखिए बाहर निकल रहा है, इसको कहीं भी थोड़ी सी मिट्टी मिलेगी तो ये वहीं पे इस मिट्टी में हल्का सा ये टच होके वहीं पे नया प्लांट बन जाता है। इस तरह से ये अपने आप मल्टीप्लाई होता रहता है। और इसमें धूप हो गई तो शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, देखिए कितने नए नए सूट्स निकलते हैं। इसकी रूट ऐसे ही मिट्टी में आसपास फैलती रहती है, सारे इसके रूट्स दिख रहे हैं आपको, मिट्टी में ऐसे फैलती रहती है और नए नए ब्रांच बनती रहती है। मैंने इसमें सिंगल एक लीफ लगाई थी, मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे मैंने ऐसे एक सिंगल ऐसे एक सिंगल रूट से निकाल के इसकी लीफ लगाई थी, ऐसे साइड साइड में अपने आप इसमें अनगिनत प्लांट बन गए हैं। इसे यहाँ से मैंने निकाला रूट के साथ और लगा दिया, तो मैंने इस वाले प्लांट को ऐसे ही लगाया था, तो इसमें देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है। तो ये बहुत इजीली प्रोपोगेट हो जाता है, बहुत इजी टू प्रोपोगेट हो जाता है। ये देखिए कैसे कैसे रूट से अलग 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 रूट इसकी फैलती रहती है और अलग अलग न्यू बेबी प्लांट बनते रहते हैं। देखिए इसमें कोई गिनती नहीं कि कितने प्लांट बन गए हैं। ये देखिए ये यहाँ पे ये वाला जो है ये अलग से बन रहा है, ऐसे प्लांट बनते रहते हैं, बनते बनते इसमें इतने सारे प्लांट हो गए। देखिए ये वाला भी नया प्लांट है, तो इसमें प्लांट बनते रहते हैं। आप इसे बहुत इजीली हल्के सा सीजर से कट करके और नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो ये है इसकी प्रोपोगेशन। अब मैं इसका टेम्परेचर बताती हूँ, ये लो टेम्परेचर को लाइट करता है, 20 से 30 डिग्री का टेम्परेचर रहेगा तो बहुत हैप्पी ग्रोथ करता रहेगा, इसकी ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जैसे मई जून में जुलाई में इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, जैसे हमारे यहाँ पे उत्तराखंड ऋषिकेश में तो 40-45 तो चला ही जाता है मई जून में, तो उस समय इसको आप थोड़ा सा शेमी शेड में रखिए, जो बड़े बड़े प्लांट हैं उनके नीचे रख दीजिए, क्योंकि धूप तेज़ होती है और अगर शेड में भी रहता है, इनडायरेक्ट सनलाइट में भी रहता है, तभी भी इसकी लीव्स बर्न होने लगती है। तो क्या कीजिए, आप इसको बड़े से आपके गार्डन में जो प्लांट हैं उनके नीचे रख दीजिए ताकि वो वहाँ ढके रहे, बड़े प्लांट से ढके रहे और इसके लीव्स वगैरह बर्न ना हो। तो इनको ऐसे ह्यूमिडिटी लाइक करते हैं, ये ह्यूमिडिटी जहाँ पे बनी रहेगी वहाँ पे ये अच्छे से ग्रोथ करेंगे। और जब बहुत ज़्यादा धूप होती है तो आप क्या करेंगे, ये जो पॉट है ना, मई जून में क्या करेंगे, बार बार तो पानी डाल नहीं सकते, मॉर्निंग और इवनिंग में ही पानी डालेंगे, तो आप इनके नीचे एक ट्रे रखिए, जो ट्रे आते हैं पॉट के ट्रे आते हैं उनके ट्रे रखिए, उसमें कुछ पेबल्स या पत्थर के टुकड़े उकड़े डाल के उसमें पानी भर दीजिए और उनके ऊपर इसको रख दीजिए ताकि वो अपने आप पानी को ऑब्जॉर्व करते रहें और ड्राई ना हो, मिट्टी को ड्राई नहीं करना, अगर मिट्टी ड्राई होगी तो इसकी लीव्स पीली होकर जलने लगेगी इनडायरेक्ट सनलाइट में भी। तो आप ऐसे करेंगे, एक ट्रे में कुछ पेबल्स और पत्थर के टुकड़े रखिए, उसमें पानी भर दीजिए, उस पत्थर के टुकड़ों पे इसको रख दीजिए, ये धीरे धीरे पानी को सूखता रहेगा, ऑब्जॉर्व करता रहेगा, ओके फ्रेंड्स। और
दूसरा है, जब बहुत तेज़ धूप हो तो आप ये क्या करेंगे, जो इनकी मिट्टी होती है ना मिट्टी, उनके ऊपर लीव्स, ड्राई लीव्स की मल्चिंग कर देंगे। और लीव्स की अच्छी सी मल्चिंग मिट्टी पे रहेगी तो क्या होगा, जो मिट्टी में नमी अंदर से है वो लीव्स से ढका रहेगा और उसमें अच्छे से नमी बनी रहेगी, तो मिट्टी ड्राई नहीं होगी मई जून के महीने में। और उसके बाद बस कुछ भी करें, नमी बना के रखना है, मिट्टी को ड्राई नहीं करना है। और आप इसके लिए पॉट सेलेक्ट करेंगे तो इसमें क्या, इनकी क्या फितरत होती है फ्रेंड, ये जो इनकी लीव्स निकलती है ना, यहाँ से निकल के बाहर की तरफ जाएगी, यहाँ से निकलेगी लंबी लंबी सी लीव्स बाहर की तरफ जाती है, तो इसको थोड़ा सा चौड़े मुँह पर पॉट दीजिए बड़ा सा। ये तो मैंने एक सिंगल लीव लाई थी तो मैं उसे बड़े पॉट में नहीं लगा सकती थी, एक लीव्स को क्या बड़े पॉट में लगाना था, तो मैंने इसमें छोटे से पॉट में लगा दिया। अब मैं जब इसे रिपोर्ट करूँगी तो बड़ा सा पॉट दूँगी ताकि ये अच्छे से फैलता रहे। अब ये 8-9 महीने पुराना है इसलिए छोटा प्लांट है, जैसे ही 1-1.5 साल पुराना होगा तो मैं इसे बड़े पॉट में शिफ्ट कर दूंगी। बस चौड़े मुंह का, बड़ा सा चौड़े मुंह का पॉट अब इसके लिए सेलेक्ट करेंगे तो इसमें उसकी ग्रोथ अच्छी होगी और बहुत लंबी लंबी लीव्स इसमें बन के आएंगी। और इसका ये जो विंटर सीजन होता है इसमें तो ग्रोथ अच्छी हो ही रही है, समर में भी ग्रोथ होती है, तो विंटर में तो आप इसे सेमी शेड में रख ही देंगे। और समर में क्या, विंटर में शेड में रखना है, विंटर में तो हल्की धूप होती है तो आप इसे हल्की सी सनलाइट में रख सकते हैं, लेकिन समर में क्या करेंगे, आप इसे इनडायरेक्ट सनलाइट में रखिए जहाँ पे धूप ना आए। और रेनी सीज़न में क्या करना है, रेनी सीज़न में इसको आप थोड़ा सा बारिश से बचा के रखिए, बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो फिर मिट्टी सौगी होगी और फिर क्या होगा, प्लांट के रूट रोट होने का चांस रहेगा। तो आप थोड़ा सा शेड में रख दीजिए, हल्की सी धूप भी लगे और बारिश की ठंडक भी मिले इसे, लेकिन डायरेक्ट बारिश का बहुत सारा पानी ना मिले, जो कि मई जून जुलाई में बहुत ज़्यादा बारिश होती है वो ना मिले। तो बस फ्रेंड ये सारी इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप इस प्लांट को इस तरह से केयर करते हैं तो आपके गार्डन में ये प्लांट हमेशा बना रहेगा, आपके गार्डन की ब्यूटी बढ़ाएगा और आप इसे बहुत अच्छे से केयर करते रहेंगे तो हैप्पी ग्रोथ करता रहेगा। तो फ्रेंड मुझे यकीन है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आ ही गई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों से, शेयर करके उस पर कमेंट भी करके बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। और जो मेरे नए व्यूवर्स हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझसे जुड़ रहे हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दे ताकि जो नेक्स्ट वीडियो बनाओ उसकी नोटिफिकेशन उनको इजीली मिल जाए और वो मेरी वीडियोस यूं ही देखते रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें। फिर मिलूंगी किसी नए टॉपिक, नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय।